आज हम बनाएंगे अंडा करी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ अंडा। अंडा को मैंने पहले से बॉईल करके छिलका हटा के छोटा छोटा कट लगा के रख लिया था। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के मुताबिक। नमक अंडे के साथ बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे और अंडा को बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा अंडा फ्राई हो गया है। इसको एक प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में डालेंगे हम जीरा। जीरा को थोड़ा सा हम भून लेंगे। जीरा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट। पेस्ट को प्याज के साथ बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इसको भी बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे प्याज के साथ। अब कढ़ाई में डालेंगे हम धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। पाउडर मसालों को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। पाउडर मसालों को मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर पेस्ट। अगर कोई चाहते हैं तो टमाटर प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसीलिए मैंने टमाटर को पेस्ट कर लिया है। टमाटर पेस्ट को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे मसाले के साथ और इसको बहुत अच्छे से हम भूनेंगे। देखिए हमारा टमाटर फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। यह मैंने खट्टा दही लिया है। दही को बहुत अच्छे से हम मसाले के साथ मिला लेंगे। दही को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से तेल छूटने ना लगे। देखिए दही भी हमारा फ्राई हो गया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे पानी। पानी को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। ग्रेवी में उबाल आने तक हम इंतजार करेंगे। देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड किया हुआ अंडा। अंडा को बहुत अच्छे से हम ग्रेवी के साथ मिला लेंगे। थोड़ा सा ठीक होने तक हम इसको पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा चीनी। अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं भी ऐड कर सकते। मैंने ऐड किया है सिर्फ स्वाद के लिए, वो भी एक पिंच। एक पिंच से ज़्यादा नहीं यूज़ करना। चीनी को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। अंडे को ग्रेवी के साथ तब तक पकाएंगे जब तक ये ग्रेवी थिक ना हो जाए। देखिए हमारा ग्रेवी थिक हो गया है। अब इसको एक प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे। देखिए हमारा अंडा करी बनके बिल्कुल तैयार है।